अरे इंजी भाई क्या कर रहे हैं, ये हमारा वाला गाना नहीं है। अरे चैंपियंस ट्रॉफी की बात तो हमारा ही हुआ ना। अरे आंख बंद करके लेके आए हो, पट्टी तो हटा दो अगर आ गए तो। क्या तुम भी, ये कहाँ ले आए मुझे, ये तो हमारा स्टूडियो नहीं लग रहा। अरे इंजी भाई वो कैमरामैन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से आए हुए थे ना, तो उन्होंने एंड टाइम पे पाकिस्तान आने से मना कर दिया, तो हमें आपको तारों के नीचे से यूए लाना पड़ा। अरे कैसे बगैरत लोग हैं यार ये, हमने तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी ना, इतना भी क्या डरना। अरे डर के आगे तो डक डक। ये तो मेरा अलार्म का टोन था। इंजी भाई आज बहुत ही फनी टॉपिक पर वीडियो करनी है। पन्नी मतलब पक्का मैच फिक्सिंग की बात करनी है ना। अरे कोई बड़ा मसला नहीं है, अभी सलमान भट्ट को कॉल करता हूँ। अरे जिगरी है मेरा। हाँ सल्लू, 36-37-36-37 पाकिस्तान आ रहा है, इनसाइड इंफॉर्मेशन है। अरे इंजी भाई क्या कर रहे हैं, हम लाइव है, सब देख रहे हैं। लाइव चल रहा है, मतलब कट नहीं कर सकते। बताइए तो सही, करना क्या है? ये लीजिए। ये देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या है, क्रिकेट किट? आखिर पाकिस्तान टीम को मेरी जरूरत पड़ी गई। बताइए तो मैं अकेला जा रहा हूं या वजीर आजम भी साथ चल रहे हैं? अरे इंजी भाई क्रिकेट किट की अनबॉक्सिंग करनी है, खेलना नहीं है। तुम उस शोएब मलिक को खिला सकते हो लेकिन मुझे नहीं खिलाओगे तुम। मैं नहीं कर रहा यार कोई अनबॉक्सिंग। अब पैसे मिल रहे हैं तो कार लेता हूं, वैसे भी मैं धोनी थोड़ी ना हूं जो रिटायरमेंट के बाद में फ्री में काम करूं। तो नाजरीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक क्रिकेट किट है, और ये कोई ऐसी वैसी किट नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे आला टीम पाकिस्तान की है। तो आइए देखते हैं किट के अंदर क्या क्या मिलता है। ओ हो, ये दो अलग अलग जूते देख के चौंकिएगा नहीं। भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की अवाम ने हमें ये 2003 में तोहफा दिया था और ये 2007 में। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, तो नाजरीन पाकिस्तान किट में आपको कुछ मिले ना मिले स्टंप जरूर मिलता है। अब मैच में कुछ उखाड़ तो नहीं पाते थे इसलिए स्टंप ही उखाड़ लेते अरे अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। आप नौशाद दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। क्या बात है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। क्या आपके दोस्त आपको एक टकला कहकर चिढ़ाते हैं? क्या ब्लेजर्स नटखट अमेरिका और नेक टैक्सी आपको जॉब ऑफर करती है? क्या आपकी बेबी आपका चांद देखकर करवा चौथ का व्रत दिन में ही तोड़ देती है? तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक चमत्कारी तेल। ये तेल नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। इस तेल का उपयोग बहुत ही आसान है। इसको अपने हाथ में लीजिए, अब उस हाथ में लीजिए और अब मलिए, मलते रहिए 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 और चंपी कर दीजिए। देखिए भैया इस तेल को लगा के बाल तो नहीं आएंगे लेकिन आपका दिमाग जो है एकदम ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई गंजा बोले, कोई अमिताभ बच्चन बोले, आपको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, 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 लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, घबराइए नहीं, ये कोई ऐसी वैसी ब्रश नहीं है, ये अफरीदी भाई की ब्रश है।
जहां तक मुझे याद है दिन में वो चार बार ब्रश तो करते थे, बदबू कभी गई नहीं, लेकिन दांत जरूर मजबूत हो गए। लेदर बॉल जो चबाना होता था। अगला कुछ किताब सा मिला है। इंजी भाई क्या हुआ? इंजी भाई क्या हुआ? सब खैरियत तो है? It was an excellent win for you, Inzi. You want to say something in English? Inshallah, the boys played really well. The pitch was wet and the rain was heavy. I could not get run out. It was a good game. Ho gaya. Sahi bola na maine. Chala diya chakke. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब, आपने अंग्रेजी बोलकर हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। वज़ीर-ए-आज़म आप। थैंक यू वज़ीर-ए-आज़म, आई लव यू। क्या फट गया आराम से। इंजी भाई ठीक है आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अगला आइटम ये तो बेसबॉल बैट है, टीवी तोड़ने के काम आता है, जो कि राख ही लेता हूँ, आपस से तोड़ना ही तो है। नेक्स्ट है तुम्हारा हैंड टावल। बीच में श्रीशांत ले गया था बिना पूछे, तो पता है ना क्या हुआ था उसके साथ। इसलिए कहता हूँ कि जिसका काम है उसी को करने दो। हैं नाजरीन, अब जाके निकली ना इतनी नेगेटिव चीज़ों में से इकलौती पॉजिटिव चीज़। ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये हमारी इकलौती फतेह की निशानी है। चैंपियंस ट्रॉफी की सीडी? वो तो तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो ना, ये शोएब भाई और सानिया भाभी के निकाह की सीडी है, वो टीम का मोराल अप रखने के काम आता है ना। आज रात यही देखूंगा। अब दिखाता हूँ आपको इस किट का सबसे खुफिया इलाका, ये देखिए। कुछ नहीं, वो हमारा सीक्रेट हथियार निकल गया था। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या निकलता। अरे इंजी भाई क्या हुआ? इंजी भाई कहाँ जा रहे हैं? इंजी भाई, अरे इंजी भाई, ऐसा भी क्या निकल गया? मेरे पुराने जख्म सामने आ गए। इंडिया की टिकट 2009 में कटवाई थी पहली IPL जाने के लिए। देखिए हर साल टिकट कटवा के दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते थे, लेकिन ये BICS वाले। इंजी भाई BCCI? हाँ भाई, BICS वाले कभी नहीं होता, भेजते ही नहीं है। मैं नहीं कर रहा यार कोई अनबॉक्सिंग, नहीं कर रहा मैं। पुरसुकून हो जाइए इंजी भाई, हमने सुना है अगले साल IPL में कमेंटेटर्स का नया लॉट आ रहा है, पाकिस्तान से भी बुलाया है सबको। अरे रमीज भाई ने तो वीजा भी करवा लिया है। मुझे तो पहले से ही पता था, ये पिछला वाला काट कर देना, मजाक कर रहा था। ये पता था कि BCCI जो है वो दुनिया की इतनी आला ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो क्रिकेट का जो है वो पूरा जिम्मा संभाल के बैठी है ना। अरे चलिए व्यूवर्स को आगे का सामान भी दिखाना है, और हाँ एक सरप्राइज आइटम भी है। चलिए दिखाता हूँ क्या। आइए, तो ये था सरप्राइज। मजे आ गए, अब मैं PJ खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा और जज्बाती बिल्कुल नहीं होऊंगा। मजे आ गए। तो आज हमने की क्रिकेट किट की अनबॉक्सिंग, जिसमें से हमें मिले क्रिकेट के सामान और ये मास्क, शोएब भाई का है। उम्मीद है कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो काफी मजेदार लगा होगा एकदम इस बर्गर की तरह। और इस नॉस्टैल्जिया के लिए मैं देना चाहूंगा 5 में से पूरे के पूरे 6 सितारे और DRS में नो डाउट। ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और हाँ खुश रहिए। अलविदा, खुदा हाफिज। मजा आ गया भाई, एक तो मतलब यादें ताजा हो गई। बर्गर काफी बढ़िया है, बहुत ताजा। अब आलू बर्गर की तो बात ही अलग है इंजी भाई। ये आलू बर्गर है? हाँ इंजी भाई। ये
इस बर्गर में आलू किसने डाला? हेलो गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में यार लड़ाई मत करो, ठीक है? लड़ लो यार, जो जीता वही सिकंदर, ऑब्वियसली सबको पता है कि कौन जीतने वाला है, और जो हारने वाला है उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये लीजिए, और हाँ टीवी फोड़ देना, बाकी तो क्या कुछ नहीं। कमेंट्स में ये भी बताओ कि अगले अनबॉक्सिंग में क्या देखना चाहते हो, एंड यस सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ते।